नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक नई मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिस मूवी का नाम है गुमराह। नाम से ही हम लोगों को गुमराह करने का कोशिश है, लेकिन मुझे तो गुमराह नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने इससे पहले दो मूवी देखी है जिस मूवी का नाम है थर्डम और रेड, जो एक तेलुगु और तमिल में है। मतलब ये मूवी एक रीमेक मूवी है। बॉलीवुड की आदत है ऐसा रीमेक बनाना है, और ये मूवी कैसा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें हम देख पाएंगे आदित्य रॉय कपूर को, इनकी डबल रोल है, और कुणाल ठाकुर और रोनित रॉय, और एक छोटी सी कैमियो देखने को मिलेगा जिस उनका नाम है देविका पिंटू। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ ये मूवी का नाम गुमराह होने से हम लोग सारे लोग को गुमराह नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रीमेक मूवी है। कुछ लोग तो देख ही चुके हैं। मैं कहूँगा ये मूवी अच्छी है क्योंकि इसमें सस्पेंस थ्रिलर दोनों है और एक्शन भी है। अगर आप लोग रेड और थर्डम मूवी नहीं देखा है तो ये मूवी जरूर देखना, जरूर मजा आएगा। इस मूवी की कहानी ऐसा है कि एक कातिल हो जाती है, और कातिल में और कातिल का चेहरा सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई देता है। उसके बाद उसे अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद सब कुछ साबित हो जाता है, तब दूसरा बंदा आता है एक जैसे दिखने पर, पुलिस कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद असली खेल शुरू होता है और कानून को गुमराह करना शुरू हो जाता है। फिल्म में पता चलता है कि वो दोनों भाई हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं और कौन किसको फंसा रहा है वो हम मूवी देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों इस मूवी की कहानी तो अच्छी है, लेकिन मैं ज़्यादा रेटिंग नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इससे पहले जो मैंने दोनों मूवी देखी है उसकी लेवल की ये मूवी नहीं हो सकती है क्योंकि और मैंने पहले देख लिया, इसीलिए मुझे ये मूवी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन कहानी अच्छी है, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोग अगर नहीं देखा है तो ये मूवी को ज़रूर देखिए। दोस्तों अगर ये मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।